विधानसभा चुनाव को लेकर धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अमला धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण दौरे पर आए। यहां उन्होंने मतदान केंद्र के साथ साथ अन्य व्यवस्था को भी देखा। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि शांतिपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया हो, ऐसे हमारे प्रयास हैं। इसी कड़ी में पूरे जिले के मतदान केंद्रों की व्यवस्था देखी जा रही है। वहीं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, जिन महिलाओं के साथ छोटे बच्चे आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के मिले निर्देश का पालन करवाया जाएगा। वहीं दोपहर तकरीबन 1:30 बजे धामनौत नगर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम धामनौत नगर के रामपुर स्कूल में पहुंचे, जहां पर कलेक्टर मिश्रा, एसपी सिंह ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही भोजन के पश्चात बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती केसरी से स्कूल संबंधित चर्चा भी की। इधर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि थाना अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्ति या गुंडा लिस्ट के लोगों को चयनित कर कार्रवाई की जाए, साथ ही जो भी शांति भंग करे उन्हें भी चयनित किया जाए। हमारा कलेक्टर साहब का विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा था। दौरे के क्रम में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और उसकी तैयारियां साथ में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर ली। अचानक हम लोग बच्चों के साथ हम लोग स्कूल में खाना खाने आ गए। यहाँ बच्चों के साथ खाना खाकर बहुत ही अच्छा लगा। एक जीवन में चेंज कहा जाएगा, चेंज काफ़ी अच्छा लगा। विद्यार्थियों शिक्षकों से मिलकर अच्छा लगा और खाना का क्वालिटी भी अच्छा रहा। बच्चों के साथ बच्चों का प्रेयर सुनकर भी बहुत अच्छा लगा और हम बच्चों के भविष्य की शुभकामना भी करते हैं। साथ में आपके माध्यम से धामनौत की पूरी जनता को संदेश दिलाते हैं कि जिस दौरे के लिए हम लोग निकले हैं, जिस उद्देश्य से निकले हैं, विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, पारदर्शी हो, भयमुक्त हो, इसके लिए आपके माध्यम से पूरी जनता को हम आश्वस्त करते हैं कि हम ये पूरी व्यवस्था बनाएंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। बहुत बहुत लगा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आज हम और एसपी साहब धार विधानसभा के भ्रमण पर आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत निकले हैं। कई मतदान केंद्र हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, बगड़ी पे, फिर लुनहरा पे और अभी धामनौत आए हैं। यहाँ पर भी हम लोग अपना भ्रमण करेंगे मतदान केंद्रों का और नाके का। बट क्योंकि भोजन का समय हो गया था तो ये लगा कि बच्चों के साथ अगर भोजन किया जाएगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और खासकर हम लोगों को भी जानने का अवसर मिलेगा कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता कैसी है। भोजन कैसा लगा सर? अच्छा है मध्यान्ह भोजन। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।